नमस्कार। सर्वप्रथम पाती अपनों की जन सरोकार मंच टॉक की तरफ से, जो आज फेसबुक लाइव कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है, सबसे पहले मैं इस पाती प्रोग्राम से जुड़े हैं। ये एक केवल प्रोग्राम नहीं है, या पाती किसी प्रकार की केवल एक मुहिम नहीं है। ये हमारे जीवन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण अहम एक भाग है जीवन जीने का। आज पाती मुहिम किसी एक स्थान, किसी एक देश, किसी एक जिला या किसी एक प्रांत तक सीमित नहीं है। पत्रों की इसी श्रृंखला में मैं बात कहना चाहूंगी कि पाती अपनों की मुहिम के साथ जुड़ना मेरे लिए एक अनमोल सौगात के समान रहा है। पत्र जीवन की अनमोल धरोहर के रूप में होते हैं। आदरणीय डॉक्टर नेगी जी सर और आदरणीय मीना मैडम ने शायद जब पाती मुहिम की शुरुआत की होगी तो निसंदेह उन्होंने भी शायद ये अंदाजा नहीं लगाया होगा कि ये मुहिम उनकी सोच रूपी बीज से अंकुरित होकर इसकी जड़ें प्रसारित होते होते इतने विस्तृत फलक पर अपना विशाल वटवृक्ष इतनी शीघ्रता से बना लेगी, वो भी इतनी दृढ़ता के साथ। जी हाँ, इस डिजिटल युग में पाती लिखना कुछ लोगों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण भी है। जब पत्र लिखते हैं ना, तो न मालूम कितने भावों के समंदर बह करके कोरे कागज पर उकरते उकरते न मालूम कितनी दरिया बह जाते हैं, और एक विशाल भाव भावना और संवेदनाओं का एक विशाल समुद्र हमारे सामने। पाती लेखन के पत्र वचन से पहले मैं अपनी एक सबसे अनमोल बात बताऊंगी। मैंने जब अपनी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ की तो सबसे पहले मेरी साहित्यिक यात्रा प्रारंभ हुई पाती लेखन से। बात 2015 की है, जब एक मेरे पारिवारिक मित्र किसी एक ऐसी घटना को उन्होंने एक पत्रकार के रूप में आकर जब मेरे सामने बयां करा। किसी किशोर अवस्था की भटकाव वाली बेटी थी, उस रात निसंदेह में सो नहीं पाई, पूरी रात में सो नहीं पाई। मेरी आंखें बार बार उस माँ के आंसुओं को तलाशती रही जिस माँ के विश्वास को हमारी नई पीढ़ी ने तोड़ा। उसी रात मैंने अपना पहला पत्र लिखा और वो पत्र मेरी अंतरात्मा से निकला हुआ एक एक शब्द उस माँ की पीड़ को महसूस करता हुआ। मुझे बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि पत्रों में इतनी शक्ति होती है। उस एक पत्र ने मेरे जीवन में कलम थमा दी। उस पत्र को जब एक वरिष्ठ साहित्यकार जी ने देखा तो उन्होंने कहा, लेखनी बहुत प्रभावी है, मैं सोच नहीं सकती क्योंकि ना मेरे को शब्दों का ज्ञान, ना कोई भावों का ज्ञान, ना कोई मैंने सोचा, ना कोई समझा। अनवरत आंसुओं की उन लड़ियों के साथ उस माँ का दर्द बह चला उस कोरे कागज पर और मैंने बेटी के नाम माँ का वो पत्र लिखा। और वो पत्र बाद में बहुत ही, मतलब वो प्रथम स्थान पर भी रहा बाद में पाती प्रतियोगिताओं में, लेकिन सच कह रही हूँ, पत्र में वो शक्ति है तो चाहे किसी में नहीं। अनमोल विरासत के रूप में पत्र, अनमोल धरोहर के रूप में पत्र और हमारी भावनाओं के रूप में वो पत्र, मैसेज तुरंत डिलीट हो जाते हैं, थोड़े दिन बाद खत्म हो जाते हैं, लेकिन पत्र संग्रहित रहते हैं हमारे दिल में, हमारे दिमाग में, हमारे भावों में, हमारी आत्मा में, हमारी संवेदना में। और मैं इस पाती मुहिम में अपने पत्र से पहले वो वाकया साझा करना चाहूंगी। जब हम बूंदी के अंदर, जब इस माँ की पाती बेटी के नाम इस पुस्तक का विमोचन
था। उस समय आदरणीय नेगी सर के आदेशानुसार मंच संचालन का उत्तरदायित्व सर ने मुझे प्रदान किया। कुछ एक समय हमारे पास था हमारे अतिथि महोदय के पधारने से पहले, तो मन में एक विचार आया। जब मंच पे खड़े होके सामने बैठे हुई उस पंक्तियों को देखा तो उसके अंदर जो मेरी बहनें बैठी थी, मेरी माताएं बैठी थी, मेरी बच्चियां बैठी थी, कुछ उम्र में काफी छोटी भी थी, तो मुझे लगा कि कितना सुखद यहाँ का दृश्य है। यहाँ पर विश्व स्तर की लेखिकाएं हैं, राजस्थान लेवल पर जानी पहचानी लेखिकाएं भी है, तो सुस्वाद भोजन बनाने वाली मेरी माताएं और बहनें भी हैं, जो शायद किसी पठन पाठन से नहीं जुड़ी होगी तब तक, लेकिन इस पुस्तक में उन्होंने अपने भावों को, अपनी बेटी के नाम के जो पत्र है उनको जब इसके अंदर उकेरा तो वाकई बहुत खूबसूरत दृश्य था। उनसे रूबरू होने का मौका मिला, वो मेरे लिए सबसे सुखद एहसास था। उन सुखद एहसास के लिए मेरे शब्दकोश में किसी प्रकार के शब्द नहीं है, मतलब सिर्फ मैं उस समुंदर में, उस अथाह भावना और संवेदनाओं के समुंदर में तो डूब गई, लेकिन मैं निसंदेह उस मंच पर विराजी हुई उन समस्त माताओं बहनों के लिए जिनके अनुभव इस पुस्तक में साझा किए हैं, उनके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अब बात करती हूँ मैं अपने पत्र की, तो मुझे लगा कि आज पहला पत्र है तो क्यों ना माँ की पाती बेटी के नाम से ही मैं पत्र पढूं, और अपना, मैंने जो अपनी बेटी को लिखा वो पत्र मैं आप लोगों से साझा कर रही हूं। ये पत्र इस माँ की बेटी पाती के अंदर आदरणीय नेकी जी सर द्वारा संरक्षित कर दिया है, और ये पुस्तक निसंदेह कालजयी रहेगी साहित्यिक इतिहास में, एक बहुत ही अनमोल धरोहर के रूप में सुरक्षित रहेगी। और इसी के साथ जब माँ की पाती बेटी के नाम की बात आई है तो मैं एक और बात साझा करना चाहूंगी कि मेरी बच्ची को मैं आज भी प्रतिदिन पत्र लिखती हूँ, और मुझे उसको पत्र लिखना अच्छा लगता है जब कभी वो तनाव में होती है, और वो आज डिजिटल युग में रहने के बाद भी बच्चे ये कहते हैं कि मेरी बेटी ये कहती है कि माँ, सच में माँ जब मैं परेशान होती हूँ तो बार बार उस डायरी को ले लेती हूँ, और ये डायरी पूरी एक धरोहर के रूप में बेटी के नाम पत्रों की एक धरोहर तैयार हो गई। तो इस तरीके से मैं जब कभी मेरी बच्ची के लिए भी मैं ये पत्रों को लिखती रहती हूँ। अब हम बात करें पत्र वाचन की। मेरी प्रिय बिटिया रानी, सदा खुश रहो, अत्र कुशलम तत्रास्तु। आज के अनमोल दिन पर भी तुम हमसे सात समंदर पार हो, मन कर रहा है पंख होते तो उड़ाती रही। रात के 12 बजते ही वीडियो कॉलिंग के जरिए तुम्हें बधाई देने के साथ ही तुम्हारे मासूम चेहरे को हम बहुत देर तक निहारते रहे, परंतु नैनों को तृप्ति ही नहीं मिली। बेटा दिल है ना कि मानता ही नहीं, तो सोचा लाडो को एक पत्र लिख दूं। अरे हाँ, तुम्हारी दोस्त ने बताया कि जब पापा का लिखा पहला पत्र तुम्हें मिला तब तुम उसे पढ़कर बहुत रोई। रात को अनेकों बार पत्र पढ़ने पर तुम्हारा मन नहीं भरा तो सीने से लगा कर ही सो गई। सुबह तुम्हारा तकिया तुम्हारी भावुकता का सबूत दे रहा था। सच ही अरे बेटा, मेरी पोस्टिंग दूर होने से तुम्हारे बचपन में पापा से विरह की छटपटाट आज भी पापा को व्यथित कर देती है, विशेषकर जब किसी भी बेटी को पापा से मस्ती करते देखते हैं। आज सुबह से ही तुम्हारे जन्म से विदेश जाने तक के चलचित्र को मस्तिष्क से उठा रिकॉर्डिंग की तरह न जाने कितनी बातें पापा बोल गए। हमेशा शांत रहने वाले पापा अपनी परी के लिए तो बोलना शुरू करते हैं ना, तो
तो फिर रुकने का नाम ही नहीं लेते। प्यारी बच्ची, सचमुच ये पत्र ही है जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ संवाहक है भावनाओं व जज्बातों के। जो सुकून पत्रों से मिलता है वो फोन और मैसेज नहीं दे सकते। हमारे जीवन की अनमोल धरोहर होते हैं पत्र। तुमने पढ़ा होगा कि अनेक महापुरुषों के पत्र आज भी संरक्षित रखे हैं, जो किसी सत्य की प्रेरणा स्वरूप लिखे गए हैं। आज लिखने तो बैठ गई रे बेटा, पर पता नहीं क्या क्या लिखूंगी। मन की प्रीत का ज्वार न जाने समुद्र के तट पर क्या क्या उड़ेल देगा। बेटा, तुम्हारे जन्म से लेकर आज तक के अनेक बिंब तुम्हारे साथ होने का सा आभास करा रहे हैं। आज से 22 बसंत पहले तुम जब मेरे शरीर का ही नहीं मेरी आत्मा का अंश बनी, तब हर माँ की तरह मैं भी अपने नारित्व की पूर्णता पर गौरवान्वित थी। 9 माह कोख में पलने के पल पल का एहसास आज भी मेरे जहन में तरोताजा है। प्रसव वेदना की भयंकर छटपटाट तुम्हारे गोद में आते ही जैसे छूमंतर हो गई। मैं निहाल हो उठी रे, तुम्हारा फूल सा नाजुक चेहरा, गुलाबी बदन, अख खुली आंखें, ओस की बूंद सी तुम, बहुत ही सुंदर परीलोक से साक्षात उतरी हुई परी सी ही लग रही थी। प्रथम संतान कन्या रूप में मुझे साक्षात देवी माँ का आशीर्वाद लगी। सब प्रसन्न थे। नानी सा 5 बेटियों की माँ भी तुम्हारे जन्म पर प्रसन्न थी, परंतु दादी सा के मुंह से जरूर निकला, पहले बहुत तो छोरो हो जातो तो चुप हो रहे तो, परंतु बाद में तुम्हारी मासूमियत व प्यारी प्यारी शरारतों ने उन्हें भी वात्सल्य व ममत्व की सरिता में डुबो दिया। तुम्हारा पहली बार आंखें खोलना, मुस्कुराना, किलकारी मारना, रूठना, मचलना, रोना, मनाना, घुटने चलना और अंगोली थामे मंथर मंथर भरते डगों से लेकर हिरनी सी कुलाचे भरती, ना जाने तुम कब सात समंदर पार चली गई। अक्ष रस मेरे मन मस्तिष्क पर चित्रित हो रहा है। बेटा, तुमने मुझे कभी कोई शिकायत का मौका तो नहीं दिया, परंतु कभी कभी बेवजह छोटी छोटी बातों पर आक्रोशित हो जाना किशोरावस्था का प्रभाव भी हो सकता है, जहां पर शारीरिक व मानसिक बदलाव से अक्सर बच्चे असहज हो जाते हैं। वैसे भी किशोरावस्था को संवेदनाओं का आक्रमक तूफानी काल कहा है। मैं अनुशासन प्रिय होने से कभी कभी तुम्हारी उग्रता और संवेदनहीनता सह नहीं पाती और मेरी वाणी प्रचंडता से प्रखर रूप से प्रस्फुटित हो जाती। मुझे सबसे ज्यादा बुरा लगता जब कोई बीमार होता और तुम उसके पास थोड़ी देर भी बैठना पसंद नहीं करती। मैं तुम्हें हमेशा दूसरों से अच्छा बर्ताव करने की कहती तो तुम्हारा बाल मन विद्रोह कर बैठता। तुम कहती, वह भी तो ऐसा करते हैं, फिर हम क्यों नहीं करें? तो मैं हमेशा एक ही बात कहती, ईश्वर के पास कष्टों का निवारण है रे, दुष्टों का नहीं। लोग अपनी नकारात्मक फितरत नहीं बदल सकते तो हम अपनी सकारात्मकताएं क्यों छोड़ दें? तुम पापा की परी पापा के आते ही शिकायतों का अंबार लगा देती। पुत्री मोह में भारतीय पिता का अक्सर अंधभक्त होना स्वाभाविक भी है। इस कारण कई बार हम माओं को भजन का शिकार भी होना पड़ता था। परंतु माँ का स्वरूप नारियल सा होता है, वह चाहे कितनी भी कठोर लगे परंतु अंदर मिठास सा नरम एहसास होता है, ये सत्य बेटी स्वयं माँ बनने पर ही जान सकती है। प्यारी लाडो, पहली बार स्कूल की दहलीज पर चढ़ाते समय तुम्हारे माथे पर दमकता कुमकुम टीका, मुंह में दही गुड़ की मिठास मेरे हृदय की आशीष आशीष और तुम्हारे स्वर्णिम भविष्य की उज्ज्वल कामना ही तो थी, जो आशाओं के सुनहरे पंखों पर सवार होकर तुम्हारी सफल व सुफल जीवन की लालसा थी। मेरे अनवरत
जब तप आराधना उपवास व्रत पूजा का आधार मेरी बेटी की कामयाबी ही होता था। तुम प्रतिभाशाली बच्ची, अपनी कड़ी मेहनत से हर क्षेत्र में अव्वल आती, तुम्हारे पारितोषिक दिखाते और उपलब्धियों को गिनाते मैं कभी भी नहीं थकती थी। पर तुम्हें अनावश्यक दंभ ना हो जाए इसका मैं सदैव ख्याल रखती थी। तुम्हें हमेशा लगता माँ मेरी आप तो ना कभी भी बड़ाई नहीं करते। मैं हमेशा यही कहती कि आदर्श बेटी वही है जिसकी दुनिया बड़ाई करे। मेरी माँ भी अक्सर कहती गरमाए करेड़ो काम न जना पहला सरावे नहीं पाड़ोसी जना ही मजेदारी है। प्यारी बेटी तुम केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ी, हमसे दूर रही, परंतु मातृभूमि से भी दूर चलने से मेरा मन कभी कभी अनजान भय से आशंकित हो उठता है। अरे नहीं रे नहीं, मुझे पता है कि मेरे सत्संस्कारों की पोटली है तुम्हारे पास, परंतु बेटा दुनिया एक सार नहीं है। जीवन में कहीं शुभ्र चांदनी की शीतलता मिलेगी तो कहीं भयंकर उगते समुद्री ज्वार जो शांत सतहों पर भी अपने प्रभाव छोड़ने से बाज नहीं आते। तुम विज्ञान की विद्यार्थी होने के साथ साथ नव साहित्य सृजक रचनाकार और एक बहुत समझदार प्यारी बच्ची भी हो। कम शब्दों में शाब्दिक मर्म की गहराई को नापना आता है तुम्हें। दुनिया के मायावी जाल से बचकर सत्संगति का वर्ण करना और हाँ बेटा मोबाइल पर तुम हावी रहना पर उसे अपने पर कभी हावी मत होने देना। आजकल पबजी नाम के मोबाइल गेम ने ज्यादातर बच्चों को मानसिक अवसाद से मनोरोगी बना दिया। इससे पहले ब्लू वेल गेम ने भी कईयों की जान ले ली। अरे तुम्हें ये तो बताना भूल ही गई कि आज हमने तुम्हारे जन्मदिन पर हर वर्ष की तरह एक पौधा लगाया। पता है किसका पौधा? हार श्रृंगार का। उसके प्रत्येक सुंदर फूल की महक से हमारी लाडली की सफलता चारों ओर सुवासित होकर महक भर देगी सारी जगत में। बेटा अब जो मैं कहना चाह रही हूँ वो अत्यंत गंभीर और चिंतनीय होने के साथ चिंतन और मनन करने योग्य भी है। तुम पर्यावरण विज्ञान की शोधार्थी के रूप में विशेष प्रोजेक्ट हेतु परदेश गई हो। मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम बेहतर पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम व संरक्षण पर अपना काम देश हित में बखूबी करो। बहुत ही सुंदर है हमारी प्रकृति। मैंने कल ही एक काव्य संग्रह पढ़ा। सचमुच कवित्री ने अपनी लेखनी से हमारी प्रकृति के नायाब चित्र उकेरे हैं। प्रकृति रानी की अनुपम सौंदर्य पान से मेरा हृदय तप्त हो गया। यहाँ सप्त सुरों से भी सुंदर नदियों का गान है, बादलों की गड़गड़ाहट है, चिड़ियों की चहचहाट है, बोरों तितलियों की गुनगुनाहट, बारिश की बूंदों की छमछमाहट है, जानतारों की बारात, पेड़ों के सुंदर गात, पहाड़ों की बात, इटलाती प्रकृति की बसंती, हवाओं का राग है। प्रकृति कभी पूर्वा माँ का स्पर्श करती है तो कहीं धूप बिटिया सा नरम गरम एहसास करती है, कहीं दादा मोर है तो कहीं नदी प्रियतम से मिल सागर से मिलने को आतुर है। कितनी प्यारी और सुंदर दृश्यावली है रे बेटा। मानव के स्वार्थ की पराकाष्ठा से सुंदर धरा का श्रृंगार बदरंग होता जा रहा है। शुद्ध हवाओं में जहर घुल रहा है, नदियों को मेला कर दिया गया है, प्रदूषण के बढ़ते प्रभाव से चांद तारों की आभा भी खत्म हो गई है, पेड़ों को काट काट कर पक्षियों के आशियानों के स्थान पर स्वयं की मीनारें खड़ी कर दी है, जीव जंतुओं की अनेक प्रजातियां लुप्त हो गई है। आने वाली पीढ़ी उसे सिर्फ इंटरनेट की आभासी दुनिया में ही खोजती नजर आएगी। बेटा पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम कितना भयानक होगा तुम मुझसे बेहतर जानती हो। तुम्हारे प्रदूषण उन्मूलन प्रोजेक्ट से प्रदूषण का 100% उन्मूलन हो, सही मायने में पतझड़ के बाद पुनः बसंत बाहर से दरा हरी धानी चूनर पर पीत कशीदे के बूटों की चुनरी पहन इठलाती रहे, फूलों के रसपान से भोरे तितलियां मदमस्त होकर गुनगुना उठे, हमारी आगामी संतति सुंदर बादल, पेड़, झरने, नदी, समुद्र, तारे, सूरज, बादल, पर्वत, पशु पक्षी देख देख हरक उठे। नहीं तो अंतहीन मानव लालसाओं से प्रकृति की सौगातों से तृप्त भाग्यवान मनुष्य को भाग्यहीन होते देर नहीं लगेगी। बेटा समय अपने पंखों पर सवार है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और मुट्ठी की रेत सा सरक जाएगा। खूब मेहनत करना। अरे हाँ, तुम्हारी प्यारी दोस्त गोरैया रोजाना दाना चुनते हुए
तुम्हारे होने का एहसास करा देती है। बेटियां और गोरैया एक जैसी ही तो होती है। प्यारी लाडो, खूब फलो फूलो, मेरी उम्मीदों पर सदा सर्वदा खरी उतरने वाली मातृभूमि के पर्यावरण संरक्षण के मिशन पर शानदार शोध कार्य संबंधी बाधाओं का शमन करो, जिससे प्रकृति रानी पुनः इंद्रधनुषी छटा का वर्णन कर सके। जन चेतना जागृत करो, जिससे आगामी पीढ़ी हमारे प्राकृतिक धरोहर पर गौरवान्वित होकर अनवरत नवीन पीढ़ियों को इसका गौरवमय स्वरूप हस्तांतरित कर सके। अपना ख्याल रखना, विशेष रूप से खाने पीने का। खाने के नखरे तो तुम्हारे बचपन से ही है रे। अच्छा एक बात बोलूं, अच्छा पहले मैं बोलूं, मारी लाडूड़ी, मारी माँ। बस रे बेटा, तेरा लाड करते हुए ऐसे बोलकर आंचल में छिप जाना कब मेरे कपोलों को भिगो गया पता ही नहीं चला। मैं अब बहुत ज़्यादा नहीं लिख पाऊंगी। खूब सारा आशीष, ढेर सारा प्यार, मारी लाडूड़ी, तुम्हारी माँ।